पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैड यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म मतलब क्या? हमने पहले एग्जाम्पल में देख रखा है, सिंग सैंग संग का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें ये थर्ड थर्ड टेंस हो गया, सिंग सैंग संग हो गया वो संग। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, राम हैड ईटन फूड। राम हैड ईटन हिज फूड और राम हैड ईटन फूड, इट इज द सेम। सो हियर यहाँ पे एट ईट, यहाँ पे ईट एट और ईटन ये तीन है। सो ईट पहला फॉर्म है, एट दूसरा है और ईटन तीसरा है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा फॉर्म यूज हुआ है, दैट इज ईटन। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? ये बीन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बीन का यूज होता है, मतलब हैड बीन होता है इसमें। बस यही डिफरेंस होता है इन दोनों में कि ये हैड लगाते हैं और यहाँ पे हैड बीन लगाते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें भी अलग हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ये सब्जेक्ट होता है, फिर हम हैड बीन लगाते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 ईयर्स। सो क्रिकेट, बिकॉज वी कैन फील दिस, हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपने सेंसेस के साथ इसको देख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। और इसको लगाना भी जरूरी होता है, ऑब्वियसली हमारे हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो यहां पे आपका लग गया ऑब्जेक्ट। अब अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो कि सिंस 5 ईयर्स, ओके, सो इफ यू आर मेंशनिंग दिस टाइम हियर, यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड फॉर एंड सिंस। हम लोग आगे अभी यूसेज ऑफ फॉर और सिंस भी पढ़ेंगे, तो अभी जब तक तो आपको इसका यूसेज नहीं पता है, आप बस ये समझ जाइए कि यहाँ पे फॉर या सिंस वो अकॉर्डिंगली लगता है, और फिर उसके बाद टाइम लगता है कि 5 साल है, 5 महीना है, या फिर ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, वेदर इट्स जैन फेब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाई हैव आई ब्रैकेटेड दिस? इफ यू सी दिस इज ऑप्शनल, इफ यू आर नॉट एडिंग दिस, सो यू विल जस्ट मेंशन लाइक दिस, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, that's it, that there your sentence will get over. But when you are actually including the time, you need to take care of this, the usage of for and since and plus the time. So this is what past perfect continuous was. So the only difference between these two is the main difference, we can say, is the difference between had and had been. So been is something which is differentiating both of them. So I hope you understood all the tenses, and now let us move forward to the usage of for and since. Understand the usage of for and since in past perfect continuous. So मैं आपको ये clear करने के लिए example के साथ बता रही हूँ, and this is very important. Okay, so let us start. Now since का usage क्या है? ये हम पहले सीखेंगे. But before that you should know कि where since and for is used. Since is used for a fixed time. Fixed मतलब fixed or known time. Or known time. This is for fixed or known time. For example, 1990. 5 years, Sunday, Jan. मतलब January name of the month है. है ना? So, this is the name. So, you have to give the name or the number to use this word since here. Now let us come to for. Once you will see the usage of for, you might understand better what is the usage of since. Ab for mein kya hai? For is not fixed. Not fixed matlab not fixed and not known as well. Not known. This is not known as well. Now, ye not fixed hai, ye not known. Okay, so yahan pe example kya hai? 10 days, weeks, months. तो अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे जैन किया है जो मंथ है, या फिर कोई भी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ कि मंथ्स आप यूज कर सकते हो, कैसे? ये आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा अभी। क्यों? क्योंकि मैंने मंथ्स का नाम नहीं स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ मंथ, मतलब 5 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, या फिर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 डेज, 2 वीक्स एक्सेट्रा। लेकिन यहां पे आपको स्पेसिफाई करना होता है, जैसे 5 ईयर, यहाँ पे सॉरी आपको 1 ईयर 2 ईयर नहीं करना होता, यू ओनली हैव टू स्पेसिफाई 12 मंथ्स। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई वेरी वेरी नाइस
नाइस लिखी 1990 फाइव ईयर्स जैन, यहाँ पे हम चाहो तो लिख सकते हैं सिंस ऑफ नहीं सॉरी फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन यहाँ पे हम अगर सिंस यूज कर रहे हैं तो सिंस फाइव मंथ्स, सिंस टू मंथ्स, व्हेन यू आर श्योर अबाउट द टाइमिंग यू यूज सिंस, यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट द टाइमिंग यार सो यू आर यूजिंग फॉर. नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा.